हाउ टू यूज़ कैस्टर ऑयल फॉर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ कैस्टर ऑयल के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है कि ये एक अमेजिंग uh, ऑयल है अगर आपको हेयर ग्रोथ इन्हेंस करना है तो सो so, आज की वीडियो का मेन टॉपिक ही कैस्टर ऑयल है सो so, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आप कैस्टर ऑयल को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज सब लोग इसको यूज करना अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स थिकनेस बट हम इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं बट बी एबल टू डू दैट हमें उसका सही तरीका पता होना चाहिए सो so, वही कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना बहुत अच्छे से रहे होंगे. आपके जो कॉमेंट्स है, आपका जो है उसके लिए, so really और उसको आप एप्रिशिएट कर रहे हैं सो so मेरा तो दिन बन जाता है सो जस्ट कीप दैट ऑन और जो लोग मेरे चैनल में, में फर्स्ट टाइम विजिट करें आप सभी का बहुत सारा वेलकम इस चैनल में सो so अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल सो विदर्दर डू लेटे हाँ बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करना गाय अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए जिससे कि आने वाला कोई भी अपलोड आप मिस ना कर सकें और जैसे ही मैं अपलोड करूँ कोई भी वीडियो आप वैसे ही इसे देख सकें सो लेट्स फाइनली गेट स्टार्ट कैस्टर ऑयल बेसिकली एक वेजिटेबल ऑयल है जिसे एक हम मल्टीपर्पज ऑयल भी कह सकते हैं वाई मल्टीपर्पज मल्टीपर्पज का मतलब ही होता है कि जिसको हम बहुत सारे पर्पज़ के लिए बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं सो कैस्टर ऑयल भी सेंचुरीज यानी कि बहुत पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है डिफरेंट uh, डिफरेंट काम के लिए अगर मैं बात करूँ चाहे आपके कोई वोन्स हैं मतलब आपके जो घाव वगैरह है आपको चोट लग जाती है तो उसकी हीलिंग के लिए uh, पुराने टाइम से कैस्टर ऑयल का यूज़ होता था सेकेंडली इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा यूज में आता था बट अगर आपको एक्ने के इश्यूज़ हैं तो उसके लिए भी कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है बट क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थिक होता है तो मेक श्योर यू डाइल्यूटेड विथ सम ऑयल और उसके बाद ही उसका एप्लीकेशन कीजिए और इसके अलावा ये बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग ऑयल है चाहे मैं बात करूँ स्किन की और या फिर बालों की बाल इज़ द मेन टॉपिक है तो बालों के लिए इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसीलिए हमें इसको अपने हेयर केयर रिजिम में अगर हम करते हैं ऐड या अपनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हेयर ग्रोथ बट हम लोग इसको यूज़ करने से डरते हैं या अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ़ इट्स थिकनेस हम ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है बहुत ज़्यादा थिक है तो इसको कैसे मैं अप्लाई करूँ सो so, क्या हम इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में यस एंड नो यस इसलिए क्योंकि हम अप्लाई तो कर सकते हैं नो no, इसलिए क्योंकि हम इसे सिर्फ अकेले ही अपने बालों पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप इसे अकेले ही बालों पे अप्लाई करेंगे बिना किसी चीज़ के साथ मिक्स किए हुए तो कि ये बहुत ज़्यादा थिक है तो जब भी आप कोई थिक ऑयल लाइक थिकेस्ट ऑफ देम अपने बालों पर लगाते हैं तो क्या होता है आपके बाल जो हैं वो स्टिकी होते हैं राइट right? इन जनरल भी किसी भी ऑयल के एप्लीकेशन हल्के स्टिकी हो जाते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा थिक होने की वजह से आपके जो बाल हैं उनमें चिपकता है तो ये बालों में चिपकेगा और जब आप इसे ऐसे ऐसे मसलेंगे चिपके हुए बालों में तो उससे क्या होगा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो जिसकी वजह से आपके बाल टूटेंगे क्योंकि आपके बालों में फोर्स और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और आपके बाल टूटेंगे सो so, इसीलिए सिर्फ कैस्टर ऑयल को कभी भी यूज नहीं करना लेकिन कैस्टर ऑयल को कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके जरूर यूज कर सकते हैं सो so, आज जिस ऑयल से मैंने शैम्पू किया है वो है कैस्टर ऑयल प्लस कोकोनट ऑयल अगर मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा माइल्ड ऑयल जो आज तक मैंने अपनी लाइफ में यूज किया है मेरे हिसाब से वो कोकोनट ऑयल है कोकोनट ऑयल इतना पतला होता है ना इतना माइल्ड होता है कि इसको किसी के साथ भी मिक्स करो बहुत ही भोला होता है ये हर ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है और डिजॉल्व भी बहुत अच्छे से हो जाता है और किसी भी ऑयल जो कि इसकी थिक कंसिस्टेंसी है उसको डाइल्यूट करने में सबसे अच्छा और अमेजिंग है कोकोनट ऑयल एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है आपको लेना है वन आप अपने बालों की लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं आज मैं आपको बालों की लेंथ में लगा के दिखाने वाली हूँ बट एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूँगी अगर आपके बाल जो है उनका टेक्सचर एक ऑलरेडी हेल्दी स्टेट में है सो कैस्टर ऑयल का एप्लीकेशन अपने स्टैंडस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक है तो ये एक है कि अगर हम इसे डाइल्यूट भी करेंगे तो शैम्पू जो है आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी जिस विदिन आप कैस्टर ऑयल का एप्लीकेशन करते हैं तो शैम्पू थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा तो ये मैं पहले से आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको ये ना लगे कि मतलब आ, क्या हो गए तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गया तो आपको क्या करना है आपको लेना है दो टी ऑफ कोकोनट ऑयल और जिसमें आप ऐड करेंगे वन टी स्पून ऑफ कैस्टर ऑयल कैस्टर ऑयल इतना ज़्यादा गाढ़ा होता है कि अगर आपने पहले कोकोनट ऑयल डाला है उसके ऊपर आपने कैस्टर ऑयल डाला है ये आप ट्राई भी करना कभी भी तो कैस्टर ऑयल अपने आप ही नीचे सेटल हो जाएगा इसका इतना ज़्यादा वेट है इसमें और अगर आप ऊपर ही ऊपर से बिना मिक्स के अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कोकोनट ऑयल तो अप्लाई हो जाएगा और नीचे जो बॉटम में बचेगा दैट विल बी ओनली योर कैस्टर ऑयल सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इसे मिक्स करें और उसके बाद अप्लाई करें लेकिन मिक्स करने के बाद भी एक और स्टेप है जो कि मैं रेकमेंड करूंगी जब भी आप कैस्टर ऑयल का एप्लीकेशन कर सकते हैं जब भी आप कैस्टर ऑयल का एप्लीकेशन करते हैं इस रेशो में जिस रेशो की मैं बात कर रही हूँ आप क्या करेंगे सो so आप कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल को जो है हल्का सा वॉर्म करेंगे देखिए जब मैं इसे डाल रही हूँ अपने कंटेनर में आप देख रहे हैं कि इसका कंसिस्टेंसी थिक है तो मैं इसे लो सिम पे करूँगी जिससे कि इसकी गुड क्वालिटीज ना जाए लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी क्वालिटीज फिर भी रहती हैं क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म में था और उसको हमने हल्का गर्म किया है सो दैट इज एप्सोल्यूटली ओके एंड दिस इज दी वे टू अप्लाई कैस्टर ऑयल वेन यू आर अपलाइंग विद ओनली वन कैरियर ऑयल और इस रेशो में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अगर आप रेशो अलग यूज़ कर रहे हैं देन इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर बट अगर आप इस रेशो में कर रहे हैं तो वार्म करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है जिससे कि उसकी थिकनेस को आप कंट्रोल कर सकें ठीक है सो so, मैंने गर्म कर दिया अब जब मैं वापस अपने कंटेनर में डाल रही हूं तो आप देखेंगे कि कंसिस्टेंसी में डिफरेंस कितना है बिफोर हीटिंग दिस एंड विदाउट यू नो विदाउट हीटिंग दिस एंड आफ्टर हीटिंग दिस सो दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस क्योंकि जब भी आप बहुत ज़्यादा थिक ऑयल का एप्लीकेशन अपने बालों में करते हैं तो एक फ्रिक्शन जनरेट होता है एक फोर्स जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से आप फॉल एक्सपीरियंस कर सकते हैं लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा डा दा, डायल्यूट करने के बाद थोड़ा सा वार्म करके करते हैं तो पतला हो जाता है ऑयल स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ठीक है उसके बाद आप अपने फिंगर टिप्स में इसको ले लेंगे पहले पांच से ऐसे रब किया और फिंगर टिप्स के हाथ से फिंगर टिप्स की मदद से आपने अपने स्कैल्प में इसको अच्छे से मसाज दिया जिन लोगों के बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी बाल हैं आप बिल्कुल इसे स्ट्रैंड में भी अप्लाई कीजिए आपको ज़रूरत है इसकी क्योंकि आपको बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन देगा और आपके बालों की जो टेक्स्चर है उसको बहुत अच्छे से एनहैंस करेगा तो आपको क्या करना है आपको जब भी ऑयलिंग करनी है जब भी आप अपना स्ट्रैंड लेंगे ना बालों का आपको जस्ट ऐसे ऐसे प्रेस करना है आपका यहाँ पे मोटो ये है कि आपके जो स्ट्रैंड्स हैं उनको आपको ऑयल के कांटेक्ट में लाना है आपको ऐसे ऐसे मसलना बहुत तेज़ नहीं है अगर आपको मसलना भी है तो हल्के हल्के हाथ से ही आप मसलिए क्योंकि हमें वो फ्रिक्शन जनरेट नहीं करना है कि आपके बाल वीक हो जाएँ और टूट जाएँ ऑयलिंग के प्रोसेस में सो so, आप ऐस ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथ से स्प्रेड करते जाओगे अपने स्ट्रेंड्स में सेक्शन बाय सेक्शन और उसके बाद अगर आपको चोटी बनानी है बहुत ही अच्छा है अगर आप चोटी बनाते हैं मैं भी बहुत बार बनाती हूँ हफ्ते में एटलीस्ट दो बार मैं बनाती हूँ पहले मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी लेकिन ऑफिस जाते हैं तो ये सब इतना नहीं हो पाता जब भी आपको मौका मिले आप बनाइए क्योंकि आपके हेयर ग्रोथ को अच्छे से एनहेंस करेगा वो लॉन्ग रन में आपको बहुत हेयर ग्रोथ को बूस देगा अगर आप ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं तो सो so ये हो गया और उसके बाद आप वेट कीजिए फॉर अबाउट टू टू थ्री आवर्स इतनी देर तक आप वेट करेंगे मैं यहाँ पे अभी जूड़ा बना के दिखा रही हूँ आपको तो कभी भी ऑयलिंग के प्रोसेस के बाद आपको ब्रेड बनानी है बिल्कुल बनाइए बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू फॉर हेयर ग्रोथ इन द लॉन्गर रन बट उसको बहुत तेज मत खींचिए आप हल्के हल्के हाथ से ही ब्रेड बना लीजिए ऐसा कर सकते हैं और जब भी आप बालों को डिटेंगल करते हैं आफ्टर ऑयलिंग प्रोसेस उसको लिए थोड़ा सा वेट कीजिए लेट ऑयल सेटल अपने आपके स्कैल्प uh, में और स्ट्रैंड्स में और उसके बाद लेट से 15-20 मिनट्स के बाद फिर कंगी मारिए अपने स्ट्रैंड्स में तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है ठीक है और सबसे पहले अगर आप ऑयलिंग से पहले भी अपने बाल डिटेंगल कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा है उलझे हुए बाल में सीधे आपने रबर बैंड निकाला और ऑयलिंग की वो भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है सो so, उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद आप वेट करेंगे अपने जूड़ा जुड़ा जो आपका बन गया है या जो भी बनी है आपकी ब्रेड Uh, उसको रखेंगे फॉर टू टू थ्री आवर्स और उसके बाद अपने शैम्पू से वॉश कर लेंगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बहुत ही अच्छा है अमेजिंग है हेयर ग्रोथ के लिए अगर आप इसे यूज कर सकते हैं हफ्ते में दो बार या हफ्ते में एक बार जो भी आपका स्केड्यूल अलाउ करता है तो ज़रूर कीजिए इट विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर हेयर ग्रोथ सो आई रियली होप आपको आज का वीडियो पसंद आया पसंद आया तो आपको क्या करना है वीडियो को लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करना आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा इंस्टा हैंडल है ये मैं जल्दी मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो के साथ टिल देन